नंबर है चश्मा वाली दीदी का, जल्दी आइए बहन, विलंबत करिए, दरबार चलेगा। कही हमारे पंडो का सरकार एक पर्ची के लिए आभार लेकर नहीं आए, दो के लिए नहीं आए, चार के लिए नहीं आए, पांच के लिए नहीं आए, जब तक गले में सांस रहेगी और ये गति रहेगी तब तक ऐसा ही पर्चा बनता रहेगा। इसका नाम है पंडो खर्च सरकार। लाओ, आदेश नहीं होता है उस दिन गति पर नहीं बैठते हैं और उसी दिन हट जाते हैं, उसी क्षण हट जाते हैं, लेकिन आज पर्ची में जब तक नहीं हटूंगा तब तक ये पर्ची खत्म नहीं हो जाएंगे। पहले दरबार होगा, पत्र कुछ नहीं, ये हमारी सेटिंग है, आपकी हो तो आप देख लो, आप भी पूछ लो भाई, बता बता रहे कुछ, तुम्हारा कैमरामैन सुन सकता है, ये जो बता रहे हैं वो इंजन पर जा सकता है, लेकिन पूछेगा तो वही जो मेरी इच्छा है, वाह उनकी इच्छा है। दीदी पास में आई, कहां से आई बहन? अच्छा, आप बेहोश हो जाती हैं? पहले हुई है? नहीं, कभी भी हुई थी? आगे बंद करो, तत्काल मूर्छित, एक दो तीन, भाई साहब बोल के दिखाओ, आप बोल के दिखा दो, बोलो कुछ बात करवा दिखाओ। हाँ। सुनाई पा रही हो? सुनाई दे रहा है? हाँ। अब क्या हो रहा है? कुछ नहीं, ऐसे सिर में चक्कर आ रहे हैं? हाँ, थोड़ा। गला सूख रहा है? हाँ। अब क्या हो रहा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं हो रहा। आगे खोल लीजिए, पास में आइए, अब तो चक्कर नहीं आ रहे, गला तो नहीं सूख रहा, क्या पूछना चाहते हैं? महाराज जी, बच्चे बोलते हैं तुम्हारी वजह से, मेरे वजह से हमारी शादी नहीं हो रही। क्या नाम बच्चे का? एक का तो सूरज है, उसकी शादी हो चुकी थी वो। हाँ, आगे बोलिए। गई औरत, आप दूसरा बोलिए। और लड़की है, क्या नाम उसका? शारदा। ये लिखा, सूरज की पुनः शादी होगी, एक बार शादी हो चुकी है, स्त्री जा चुकी, पढ़िए। सूरज की शादी हो चुकी है, स्त्री जा चुकी है, अब पुनः शादी होगी, आशीर्वाद है, और बेटी की इच्छा शारदा की भी मनोकामना पूरी होगी, आशीर्वाद है, विभिन्न कामना पूरी होगी, आशीर्वाद है। सूरज कहाँ है? वो घर पे ही है, और छोटी बहू शादी करके 2 महीने में चली गई, वो लड़के को लेके। उसका बच्चे पति का नाम, पहली पहली बहू का नाम क्या है? ओ, उसका स्नेहल है? स्नेहल, पहली बहू का। दूसरी? दूसरी, दूसरा वाला लड़का है, उसकी शादी हुई, बच्चा भी है, वो 2 महीने शादी करके 2 महीने में वो दोनों चले गए घर छोड़ के, और लड़की लो मैरिज करना चाहती है शारदा। हाँ, तो क्या? किससे करना है? मेरे को तो लो मैरिज नहीं चाहिए। वो किस लड़के से शादी करना चाहती है? उधर ही हमारे बिल्डिंग में नहीं। क्या नाम उसका? उसका वो लड़के का नाम तो स्वप्निल है। स्वप्निल, पढ़िए आप में क्या लिखा है, चश्मा लगा लीजिए। शारदा स्वप्निल से शादी करेगी, मकान के नीचे रहती है। हाँ, बराबर, गलत तो नहीं है? कितने पढ़े लिखे हैं आप? छठी, छठी तक। चलो, हम आप हमसे ज्यादा पढ़े। और महाराज, हमारे घर में एक देवी थी, वो गुम हो गई, 23 साल में हमने उसको बनवा के लाए हैं, तो क्या वो सही है? वो किसी ने फेंक दी थी और घर में बहुत झगड़े हो। भैया, आप बुरा तो नहीं मानोगे मैं बोलूँ कुछ? आपने दूसरी शादी की है? मैं बोलूँ, नाम बताओ, क्या नाम है उसका? दूसरी शादी, क्या नाम है, नाम क्या है? मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप सोच के आई थी ये। क्या नाम है, क्या नाम है उसका? यही है, अभय प्रसाद, सही है ना? आपने मुझे नहीं बताया, इसी का नाम है पंडो का सरकार। अब कोई कहे कि पंडो का सरकार महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं, महिला मेरी मां और इनमें कोई फर्क नहीं है, है तो किसी की मां, लेकिन इनके दिमाग में था कि कोई किसी की नहीं जानता, मां के बारे में चेक करने जा रही हूं पंडो खर, और ये चेक करने आई थी, पूछिए, झूठ मत बोलिए मैया, झूठ। आप ये टेस्ट करने आई थी ना कि ऐसे कैसे हो सकता है, एक बार जाके देख के आते, फिर उसके बाद बात करूंगी। तो क्या था फिर, क्यों आया समय? हाँ, बात तो वही है। बोलिए पंडो का सरकार की, हनुमान जी पंडो सरकार कृपा करेंगे, और पीछे पड़िए, मकान के नीचे स्वप्निल से आपकी बेटी शारदा शादी करना चाहती है, उसको पति स्वीकार किया है, ऐसा उसके मन में है, और आपका दोस्ती थी, लेकिन आप गलत नहीं हो, ठीक है, आप बाकी आप संबंध आ रहे हैं, आशीर्वाद। बोलिए पंडो का सरकार की, बोले सतगुरु भगवान श्री आतिवानी महाराज की।
जय जय स्त्री राम। आपका एक कैमरामैन तो पीछे के सबके खड़ा हो गया, क्या बात है सुगम करके, आगे आओ, डर क्यों रहे हो? हाँ अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं 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 कोई बात नहीं, अब मेरे भाई हो, छोटे भाई हो, ये लंका नहीं है, ये अयोध्या है, और अयोध्या में किसी को धमकाया नहीं जाता, गले लगाया जाता, क्योंकि आप सब मेरे भाई हैं। बोले परम पूज्यपाद सद्गुरु श्री अतिबान जी महाराज की। भाइयों भाइयों और बहनों, यदि नंबर ना आ पाए तो निराश मत होना, नंबर कल आ जाएगा।